नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जीरोधा से ऑफर फॉर सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आईपीओ के लिए कर सकते हैं, ओएफएस के लिए ऑफर फॉर सेल हो गया, फिर एफपीओ फॉलो पब्लिक ऑफर के लिए कैसे कर सकते हैं, डिलिस्टिंग में शेयर को कैसे बेच सकते हैं और कैसे आप बायबैक में अपने शेयर को बेच सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप इन पांचों चीज़, आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करें, फॉलो पब्लिक ऑफर के लिए कैसे अप्लाई करें, ओएफएस में शेयर को कैसे बाय करें, डीलिस्टिंग में शेयर को कैसे बेचें और बायबैक में शेयर को कैसे बेचें, इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे, सारी चीज़ बताएंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल एकदम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जीरोधा अकाउंट में लॉग इन कर लेना है। अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, अभी अकाउंट ओपन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे जाना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको डिलीवरी के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, इंट्राडे के लिए आपको मैक्सिमम 20 रुपया पर ट्रेड लगेगा। जैसे आप लॉग इन कर लेते हैं तो यहाँ से ये डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आप kite.jirodha.com पर लॉग इन करते हैं या आप ऐप में लॉग इन कीजिए, तो जैसे आप लॉग इन कर लेते हैं ऐप में या kite.jirodha.com पे, तो यहाँ पर देखते हैं ये आइकन पर क्लिक करना है, आपका ये जो आईडी है इस पर क्लिक करना है, ऐप में और वेबसाइट दोनों पे। आप ऐप में ओपन कीजिए या वेबसाइट में आपको इस अपने आईडी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ कंसोल होके जाना है, देख सकते हैं ये कंसोल होगा। डायरेक्ट कंसोल हो जाएंगे तो आपको डायरेक्ट सारे ऑप्शन आ जाएगा बहुत इजी वे में। अगर आप ऐप में लॉग इन करते हैं तो ऐप में आपको आईपीओ लिखा हुआ मिल जाएगा, उस आईपीओ पर क्लिक करना है। जहाँ कंसोल होगा, कंसोल में आईपीओ लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कंसोल पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, मतलब ये डैशबोर्ड ओपन होगा। तो हमने इसे पोर्टफोलियो पर ले लिया है, या आप डायरेक्ट console.jirodha.com से भी आ सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट पे लॉगिन करके। आईडी पासवर्ड सेम रहता है, आप जीरोधा के किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें, चाहे jirodha.com पे या console.jirodha.com पे या आप kite.jirodha.com पे, तो उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आना है तो जैसे आप यहाँ पाते हैं डैशबोर्ड पे आपको दिखाएगा आपका कितना इक्विटी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए हम पोर्टफोलियो पर आए हुए हैं। तो पोर्टफोलियो पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पोजिशन मतलब आज का जो भी पोजिशन खरीदे और बेचे हैं वो दिखाएगा। हमने आज कोई भी मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, आज हमें अर्जेंट काम था। उसके बाद होल्डिंग्स दिखाएगा आपका, जितने भी होल्डिंग में आप स्टॉक्स रखे हैं वो दिखाएगा। उसके बाद आईपीओ दिखाएगा कि आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। चलिए हम आईपीओ पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने आईपीओ पर क्लिक किया हुआ था, जितने आईपीओ अभी चल रहे हैं मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारा यहाँ पर दिखाएगा। तो देख सकते हैं ये रोजरी बायोटेक आईपीओ, इसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यस बैंक है, यस बैंक के आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से यस बैंक पर क्लिक करते हैं, बिड पे। जैसे हमने बिड पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको सारा चीज फिल करना है। यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्वांटिटी डालना है। तो मिनिमम क्वांटिटी इसका जो है 1000 का लॉट साइज है, जो आपको इस साइड लेफ्ट साइड लिखा हुआ मिल जाएगा, देखते हैं। मिनिमम जो 1000 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1000 सेलेक्ट कर लेते हैं क्वांटिटी। उसके बाद आपको प्राइस सेलेक्ट करना है, कौन सा प्राइस, तो इसका प्राइस रेंज देख सकते हैं 12 रुपीज़ है और 13 रुपीज़ है। तो एक बार हम 12 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर दूसरे ऑप्शन में 1000 क्वांटिटी हमने डाला और इस बार कटअप प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। कटअप प्राइस 13 है तो वो अपने आप यहाँ आ जाएगा, जैसे इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यूजर नेम डालना भूल गए, तो यूजर नेम डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर यूजर नेम डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यूजर नेम डाल दिए, सारा क्वांटिटी फिल कर दिए, अब यहाँ पर आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है। जैसे आप इस बॉक्स को क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर सबमिट का बटन आपको खुल जाता है, तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं, तो आप देखते हैं आईपीओ हमारा एप्लीकेशन हो गया एक्सेप्ट। तो अब जैसे आपका जो मैंडेट होगा, आपका यूपीआई मैंडेट वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और आपका आईपीओ अप्लाई हो गया। अब जैसे इसका मतलब स्टेटस यहाँ से देखना है, तो यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यूपीआई स्टेटस, अमाउंट ब्लॉक्ड, रिक्वेस्ट पेंडिंग, मतलब अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रिक्वेस्ट आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो ये था आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फॉलो पब्लिक ऑफर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉलो पब्लिक ऑफर भी आईपीओ की तरह ही है। तो फॉलो पब्लिक ऑफर होता है कि सेकेंड बार कोई आईपीओ ला जाता है तो उसको फॉलो पब्लिक ऑफर कहते हैं, क्योंकि यस बैंक तो पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, मतलब एक बार पहले आईपीओ आ चुका है, इसका सेकेंड टाइम्स है, तो उसको कहते हैं फॉलो पब्लिक ऑफर एफपीओ।
अब उसके बाद हमारा जो FS है, ऑफर फॉर सेल है, बायबैक है, डिलिस्टिंग है, उसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, चलिए उसको सीख लेते हैं। आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, आपको यहीं पर क्लिक करना है, यही पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है आपको, जो console.zerodha.com है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन में जाना है, कॉर्पोरेट एक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ OFS मतलब अभी कोई OFS नहीं चल रहा है तो यहाँ आपको नहीं दिखा रहा है, फिर बायबैक, फिर डिलिस्टिंग, तो तीनों चीज़ आपको यहाँ मिल जाता है। तो अभी बायबैक चल रहा है, देखते हैं अमृत कॉर्प और OCE एग्रो, इसका चल रहा है डिलिस्टिंग, इसका डिलिस्टिंग हो रहा है और इसका बायबैक हो रहा है। तो आप बायबैक के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे इसके बायबैक के लिए आपके पास पहले से ये शेयर है, आप बायबैक में बेचना चाहते हैं अपना शेयर, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर आएगा, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कहेगा क्वांटिटी फिल करने, आप अपना अगर 1000 शेयर है उसमें से 100 शेयर बायबैक में बेचना चाहते हैं तो 100 फिल करना है, बायबैक का प्राइस है 825, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर दिए, ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुल्ली, यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड हो गया सक्सेसफुल्ली। अब जो है आपका जैसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपका जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला है डेलिस्टिंग के लिए कैसे अप्लाई करें, फिर वही बात जैसे बायबैक में आपने अप्लाई किया इसी तरह OFS में ऑफर फॉर सेल में भी अप्लाई करना है। तो यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ प्लेस ऑर्डर आ जाएगा, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है, यहाँ क्वांटिटी फिल करना है। जैसे आपके पास जितना शेयर है, अगर 1000 शेयर है डेलिस्टिंग में, आप 1000 शेयर दे देना चाहते हैं, क्योंकि डेलिस्टिंग के बाद आप शेयर को, जैसे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जीरोधा चाहे एंजल ब्रोकिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उसे नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वो इस मार्केट से, स्टॉक मार्केट से डेलिस्ट हो जाएगी, हट जाएगी। तो वैसे शेयर को बेचने में आपको काफ़ी कठिनाई होगा, मतलब ऑफलाइन आप किसे जा करके बेचेंगे, किसको खोजेंगे इस मार्केट से बाहर, तो मार्केट से बाहर बेचने में काफ़ी कठिनाई होगा। तो आपके पास जितने शेयर हैं सारा यहाँ फिल कर दीजिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर प्राइस कह रहा है, आप फ्लोर प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो फ्लोर प्राइस पे, या आप जो प्राइस यहाँ देना चाहते हैं कि इस प्राइस पे हम बेचेंगे वो प्राइस आपको भरना है। जैसे हम इसे 30 रुपये के प्राइस पर बेचना चाहते हैं, हमारे पास जो स्टॉक है डिलिस्ट हो रहा है, हम उसे 30 रुपये के प्राइस पर देना चाहेंगे, कितने के प्राइस पर, 30 रुपये के प्राइस पर, तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया। अब ये हमारा देख सकते हैं पेंडिंग है ये सारा, जैसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा तो हमारा ये ऑर्डर कम्प्लीट हो जाएगा, या तो एक्सेप्ट नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप OFS के लिए, बायबैक के लिए, डेलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सीख गए होंगे कि जीरोधा में आप कैसे IPO के लिए, कैसे ऑफर फॉर सेल के लिए, कैसे OFS के लिए, कैसे बायबैक के लिए, कैसे डेलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल मतलब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आसानी से सारे कॉर्पोरेट एक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अभी तक अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, एंजल ब्रोकिंग ओपन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये दोनों।